जो काठी में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ पे 4 नंबर पे जाती थी, अभी ये उठ के 2 नंबर पे आ गई है। और कल ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो 4% से ग्राफ 30% तक गया है वो केवल राम और बाम के वोट से हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी नंबर 1 हो गया, वो उतनी ही दूर नंबर 2 होंगी जितनी की यूपी में अखिलेश और राहुल हमसे दूर। नंबर 2 होने का मतलब ही नजदीक होना नहीं होता। बंगाल में कितनी विधानसभा सीट है? 294। तो आप बिल्कुल ये मेरे से विकेट में ले लीजिए कि हम यहाँ पर लगभग 250 से ऊपर सीटें ले आएंगे विधानसभा। दीदी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभालने के बाद जिस तरीके से वो एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नाइट जैसा वो काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप योगी आदित्यनाथ? हमारे सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे ही काम करते हैं, और उसमें जो मोदी जी है वो महान आए थे हमारे। लास्ट सवाल है, कल रजौरी गार्डन में चुनाव हुआ था, और किसी फिल्म हीरो से हम थोड़ा ना योगी की तुलना करेंगे, तो योगी के स्टाइल पे फिल्म बनी। कल रजौरी गार्डन में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे आई थी, लेकिन ये देखा गया है किसी पार्टी है पूरे चुनाव इतिहास में, पूरे भारत के चुनाव इतिहास में, जिन्होंने 3 नंबर पे एक माने जो सत्ता पक्ष में 3 नंबर पे रहने के बावजूद भी उनकी माने जमानत जब्त हो गई, तो आप केजरीवाल जी को क्या माने कहना चाहेंगे? केजरीवाल के लिए उन्होंने आपके मुद्दों पर राजनीति में आए और आ गए थे, आपने वो मुद्दे ही छोड़ दिए थे, तो आपने जब वो मुद्दे छोड़ दिए तो आप तो आपने जमीन नहीं बचे थे। मुद्दे क्या थे कि राजनीति में लोग पैसे का अपव्यय कहते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का अपव्यय किस पे आरोप लगा? केजरीवाल पर ही लगा था, वो अपनी खुद की फीस भी भरवा दिया सरकारी पैसे से, तो अब इसके बाद तो उनका खत्म ही हो गया। केजरीवाल तो थोड़े समय के लिए ऐसे ही आठ समय दीदी बंगाल में लास्ट अंतिम सवाल है, अब ये बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पे जिहादी तत्व तो बढ़ रहे हैं और आपने आपकी जो सरकार के लिए वोट भी जा रहे हैं, तो क्या कितना कंसर्न है यहाँ पे, और जिस तरीके से हिंदुओं में लाठी चली है यहाँ पे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भगवान की दया से बॉर्डर है बांग्लादेश का, नहीं तो ममता बनर्जी सरकार का रूल कर रही है तो बहुत दिक्कत आ रही होती है, और यहाँ पर सभी लोग संकट में, सारे लोग सबको कष्ट है, सबको परेशानी है, इनमें से रूल है ही नहीं, खराब राज्य है, बुरा राज्य है, बिल्कुल साफ हो गया। थैंक यू।